हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस फिल्म्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन किया था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि गुप्ता डायनेस्टी के बाद किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलती है और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज निकल करके सामने आए हुए थे, जिसमें से हम लोगों ने बंगाल में जैसे गौर डायनेस्टी के बारे में बात किया था, सिमिलरली पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में बात किया, मैत्रक डायनेस्टी के बारे में बात किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कशंस किए हुए थे। फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज निकल करके सामने आती हैं और वो होती हैं राष्ट्रकूट ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक के रीजन से है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार रीजन, जो कि एक तरीके से वेस्टर्न इंडिया में निकल के आए थे, और ईस्टर्न इंडिया में पाल डायनेस्टी सामने निकल करके आई थी। इन तीनों डायनेस्टी में आपस में काफी ज्यादा कंपटीशन होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कन्नौज के लिए, और इस तरीके से तीनों डायनेस्टी आपस में ट्रिपार्टाइट वॉर लड़ती हैं। इस ट्रिपार्टाइट वॉर के बाद अल्टीमेटली राष्ट्रकूटास, इनके अंदर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक तरीके की सिविल कह लीजिए कि सिविल डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके कारण से यहां पर ये पूरी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। लेकिन गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और पाल डायनेस्टी फिर भी रहती है, लेकिन एंड ऑफ द डे पाल डायनेस्टी भी डिस्टर्ब हो जाती है, खत्म हो जाती है, और अल्टीमेटली केवल और केवल गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ही बच जाती है। लेकिन गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में भी लास्ट के दिनों में आते आते यशपाल के बाद अल्टीमेटली अलग अलग लोग बनते हैं, और राज्यपाल के बाद यशपाल बनते हैं लास्ट रूलर के रूप में, और इस तरीके से पूरी जो डायनेस्टी है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वो डिस्टर्ब हो जाती है और इनका डिक्लाइन हो जाता है। एज पार्ट ऑफ द डिक्लाइन कई सारी छोटी छोटी और नई डायनेस्टीज सामने निकल के आती है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेन डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, और इस तरीके से कई सारी डायनेस्टीज निकल करके आती हैं। तो हम लोग इन सारे डायनेस्टीज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे आखिर में किस तरीके से इनकी डेवलपमेंट हुई है और किस तरीके से ये अपना रूल किए हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इन सारे डायनेस्टीज के बारे में। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक, बट बिफोर दैट दीज आर अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा देखिए आर्ट एंड कल्चर की एक और कोर्स लॉन्च हो चुकी है, दैट इज फॉर प्रिलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, जहां पर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हर एक बुक्स, चाहे वो नितिन सिंघानिया हो, चाहे वो सीसीआरटी हो, कुछ भी, सब कुछ कंसाइज मैनर में डिस्कस किया जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, एज वेल एज प्रिलिम्स के भी 100 क्वेश्चंस आपको तैयार कराए जाएंगे। मेंस की भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान में नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा, मॉडल आंसर दिया जाएगा, और साथ ही साथ पास्ट ईयर में भी जो क्वेश्चंस आए हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए वो भी डिस्कस किए जाएंगे। इसके कोर्स की ड्यूरेशन 1 मंथ होगी और इसकी जो शुरुआत हो रही है क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम 16th of August। तो जिन लोगों को भी जरूरत हो तो आप इन ईमेल एड्रेस पर ईमेल करके कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में हमारी डायनेस्टीज किस तरीके से चल रही हैं। तो यहां पर डायनेस्टी जो थी वो थी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, और ये जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है ये बेसिकली काफी ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रखी थी, जैसे इसमें गुजरात का भी इलाका आ गया था, साथ ही साथ में मालवा का भी इलाका आ गया था, और जो हमारी कह लीजिए ऊपर के साइड में है पंजाब का एरिया हो गया, एंड आसपास जितने भी डायनेस्टीज हैं सारे एरिया में ये बेसिकली फैली हुई थी। और साथ ही साथ में ये जो बंगाल था, इस बंगाल के इलाके में सबसे पहले अगर बात करें तो दत्त डायनेस्टी थी, दिस वॉज द दत्ता डायनेस्टी, और दत्त डायनेस्टी के बाद फिर आई थी गौड़ डायनेस्टी, जहां पर शशांक के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया ही था, और फिर शशांक के बाद यानी गौड़ डायनेस्टी के बाद पाल डायनेस्टी आती है, और पाल डायनेस्टी के बाद सेन डायनेस्टी आ जाती है, जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पाल डायनेस्टी मतलब सेन डायनेस्टी है वो तो बेसिकली पाल के बाद आ गई थी, लेकिन हमारी जो वेस्टर्न साइड में है यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज निकल करके आई, जो कि गुर्जर प्रतिहार से निकल करके आई थी। जैसे एक डायनेस्टी है जिसको बोलते हैं गढ़वाल के कन्नौज, एंड दिस वॉज हियर, यहां पर मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी के साथ दिखे। साउथ के साइड में दिस वॉज द गढ़वालीज, तो यहां पर ये गढ़वालीज आ गए थे, और ये जो डायनेस्टी गढ़वाली डायनेस्टी है यहां पर निकल करके आई थी, ठीक है। इसके अलावा
अगर हम लोग देखें तो चौहान डायनेस्टी सामने निकल करके आई थी और जो चौहान डायनेस्टी थी वो दिल्ली अजमेर के पास में थी, तो इस एरिया में जो है वो चौहान, दिस वॉज द चौहान डायनेस्टी, ठीक है। फिर इसके अलावा चौहान डायनेस्टी के अलावा, अच्छा चौहान के बारे में हम लोग और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेंगे तोमर के बारे में। अब ये तोमर क्या है देखेंगे अभी थोड़ी देर में ही, चौहान तोमर इन दोनों को एक साथ देखेंगे, क्योंकि तोमरों ने ही दिल्ली को एस्टैब्लिश किया है और इस दिल्ली को चौहान ने रूल किया है। इसके अलावा अगर हम लोग मालवा के रीजन में आ जाए तो मालवा में बेसिकली परमार्स आ गए थे, परमार निकल करके सामने आ गए थे और परमार के ही जस्ट ऊपर बुंदेलखंड के एरिया में यहां पर चंदेल लोगों का शासन था, चंदेल लोगों का रूल था। तो बेसिकली हम लोग इन्हीं के बारे में आज बात करेंगे, गढ़वालीस के बारे में, सेन के बारे में, गढ़वालीस के बारे में, चौहान और तोमर के बारे में, एंड देन परमार और चंदेल के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सेन डायनेस्टी के बारे में। अच्छा उससे पहले हम लोगों ने ये देखा हुआ था, ये एक लास्ट क्लास की ही स्लाइड लगी हुई है जहां पर आप लोगों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और जो पाल थे आपस में ट्रिपटाइट वॉर लड़े थे और ये पूरी की पूरी डायनेस्टीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। आगे हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेन डायनेस्टी के बारे में जो कि वेस्टर्न मतलब कि ईस्टर्न साइड में है। तो सेन डायनेस्टी का एरिया आप लोग देख ही रहे हैं, दिस इज सेन डायनेस्टी, पाल के बाद निकल करके आई थी सेन डायनेस्टी। अगर इनके नेबरहुड में देखा जाए कि कौन कौन से डायनेस्टीज है, तो एक डायनेस्टी है जो मालवा की डायनेस्टी है, एंड दिस मालवा की डायनेस्टी का नाम क्या है, परमार डायनेस्टी, दिस इज परमार डायनेस्टी। इस परमार डायनेस्टी के पहले यहां पर कौन है, चंदेल है, दिस इज चंदेल। लेकिन चंदेल से पहले, चंदेल तो बाद में आए थे, चंदेल से जस्ट पहले अगर बात करें तो गढ़वालीज थे, तो यहां पर थे गढ़वालीज, ठीक है गढ़वालीज, और इन्होंने कन्नौज पे कब्जा करके रखा हुआ था। तो इस तरीके से सेन डायनेस्टी के बारे में बात किया जाए तो सेन डायनेस्टी के जो एस्टैब्लिशर या कह लीजिए कि जो फाउंडर थे उनका नाम था सामंत सेन। देखिए यहां पर हम लोग कई सारे डायनेस्टीज और उनसे रिलेटेड रूलर के बारे में बात करेंगे, तो सारे रूलर आपको याद नहीं रखना है, याद रखते हैं तो काफी अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, केवल आपको इस कंटिन्यूटी को बनाने के लिए बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है ताकि आप हिस्ट्री में कंफर्टेबल रहे किस दौरान में, किस ड्यूरेशन में, क्योंकि हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो 9th सेंचुरी से, इनफैक्ट हाँ 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक के बीच की बातें हम लोग कर रहे हैं, और इनफैक्ट ये 9th to 12th सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी है जहां पर मेडिवल और एंशियंट इन दोनों के बीच का ये आप ब्रिज बोल सकते हैं कि ये कनेक्ट कर रही होती है एंशियंट को मेडिवल से। कैसे कर रही है अभी आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। सामंत सेन के बारे में बात कर लिया जाए तो ये जो है वो सेन डायनेस्टी के ये फाउंडर थे, इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नेक्स्ट जो रूलर आते हैं उनका नाम रहता है विजय सेन, काफी इंपॉर्टेंट और काफी स्ट्रॉन्ग रूलर रहते हैं ये। ये जो रूलर विजय सेन है इन्होंने क्या किया था कि नेपाल, दिस इज नेपाल एंड मिथिला, इन दोनों इलाकों पर अटैक किया था और इसे अपने कब्जे में ले लिया था। तो अगर देखेंगे सेन डायनेस्टी ऑब्वियसली इसके नेबरहुड में मिथिला और नेपाल है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको इन्होंने कैप्चर कर लिया था। इन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया था कि इन्होंने दो नए सिटीज डेवलप किए थे और एक का नाम अपने ही नाम पे रखा गया था जिसका नाम था विजयनगर और दूसरा जो सिटी था उसका नाम था विक्रमपुर, दिस इज विक्रमपुर। दोनों याद रखिएगा क्योंकि अगेन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विजयनगर और विक्रमपुर किसने एस्टैब्लिश किया था, किसने डेवलप किया था, या विजय सेन के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम आता है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं, ये भी कह लीजिए कि आसपास के एरिया को ये डेवलप किए रहते हैं, आसपास के एरिया को काफी ज्यादा जीते रहते हैं, लेकिन ये थोड़े से अद्भुत किस्म के रहते हैं। अद्भुत किस्म का मतलब कि इन्होंने दो कह लीजिए कि लिटरेचर्स लिखवाई गई थी, दो लिटरेचर लिखी थी, एक का नाम था दिस इज दान सागर और दूसरे लिटरेचर का नाम था अद्भुत सागर, दिस इज अद्भुत सागर। लेकिन अद्भुत सागर अपने आप में बड़ा अद्भुत था, मतलब
अद्भुत सागर जब लिखी जा रही थी तभी बल्लाल सेन की मृत्यु हो जाती है, बल्लाल सेन जो है वो स्वर्गवास हो जाता है इनका। तो उसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं लक्ष्मण सेन, और ये जो लक्ष्मण सेन रहते हैं फिर ये अद्भुत सागर को कंप्लीट करवाते हैं। तो इस तरीके से ये जो अद्भुत सागर है वो अद्भुत तरीके से कंप्लीट हुई थी। इसके अलावा अगर बात किया जाए लक्ष्मण सेन के बारे में, तो लक्ष्मण सेन इन्होंने अपने ही नाम की एक नई सिटी डेवलप की थी, न्यू सिटी, जिसका नाम था लखनवी भी बोल सकते हैं, दिस इज लखनवी, या फिर इसी को बोल सकते हैं लक्ष्मणवती, दोनों ही एक ही चीज है, दिस इज लक्ष्मणवती और लखनवी, ठीक है। बाद में हालांकि जो होता है अटैक हुआ था जब मोहम्मद गोरी का, अभी बताता हूं कहानी क्या हुई थी। लखनवी और लक्ष्मणवती ये ध्यान रखिएगा क्या चीज है। इसके बाद से क्या होता है कि जब मोहम्मद गोरी, दिस इज मोहम्मद गोरी, जब इंडिया पर अटैक किया था तो इंडिया पे अटैक करने के साथ साथ इसके कई सारे और स्लेव जो है वो गोरी के साथ में आए थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जो कि बाद में दिल्ली सल्तनत के दौरान में ऐबक डायनेस्टी या फिर कह लीजिए आपकी स्लेव डायनेस्टी जो है वो एस्टैब्लिश करता है। लेकिन इसके साथ में एक और स्लेव आता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो ये जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी रहता है, ये होता क्या है कि मोहम्मद गोरी आता है और ऐबक को वेस्टर्न इंडिया का जो भी एम्पायर है उसको सौंप करके चला जाता है और कहता है कि भाई तुम देखना हम अभी आते हैं। तो मोहम्मद गोरी चला जाता है और ऐबक जो है वो यही रुक जाता है और आसपास के एरिया को रूल करना शुरू कर देता है। लेकिन गोरी के साथ एक और जो स्लेव आया रहता है और मोहम्मद बिन खिलजी रहता है, वो बख्तियार खिलजी, ये चला जाता है ईस्टर्न इंडिया साइड में। ईस्टर्न इंडिया में जब ये जाता है तो बंगाल के साइड में जाकर के यहां पर भी अपना कब्जा करना, एनेक्स करना शुरू कर देता है। एज पार्ट ऑफ द एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ बख्तियार खिलजी, इसने लखनवी या लक्ष्मणपुर जो भी है ये इस पर भी कब्जा कर लेता है और साथ ही साथ में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको तहस नहस, मतलब उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको जला देता है। तो इस तरीके से मोहम्मद गोरी ही डिस्ट्रॉय किया था, बट एक्चुअल में जो डिस्ट्रॉयर था उसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो ये ध्यान में रखिएगा, दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वी विल डिस्कस दिस फैक्ट इन टू मेडिवल हिस्ट्री अगेन, ठीक है। तो बाकी इसके बाद अगर और बात किया जाए तो कुछ लिटरेचर्स के बारे में बात कर लिया जाए, तो लिटरेचर्स में वन सेकेंड इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को यहां का लिटरेचर ये दिखे। हाँ, तो देखिए लिटरेचर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर अद्भुत सागर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया कि यहां पर बल्लाल सेन ने स्टार्ट किया था लेकिन लक्ष्मण सेन ने इसे कंप्लीट किया था। इसके अलावा दान सागर ये भी बल्लाल सेन के टाइम पर ही लिखी गई थी। इसके अलावा एक और छोटी सी और पोएट थी जिसका नाम था साधुक तीर्थ रमन। तो ये जो साधुक्त कर्णामृत है, सॉरी साधुक्त कर्णामृत, ये जो है बेसिकली अद्भुत सागर के ही कुछ कुछ दोहे को इसमें लिखी गई है, कुछ कुछ इसमें जो है वो जो भी जो भी प्रोज है उसको यहां पर भी इंक्लूड किया गया और वो श्रीधर के द्वारा किया गया इन द रीन ऑफ लक्ष्मण सेन, क्लियर हो गया। इसके अलावा गीत गोविंद लिखी गई है जयदेव के द्वारा। इसके अलावा ब्राह्मण वर्चस्व लिखा गया है हला युद्ध के द्वारा, और ये जो हला युद्ध थे ये बेसिकली मिनिस्टर थे इन द टाइम ऑफ इन द रीन ऑफ लक्ष्मण सेन। तो ये बेसिकली मिनिस्टर एज वेल एज राइटर भी कह लीजिए, लिटरेचर भी कह लीजिए, जो भी कहना है वो कह सकते हैं हम। तो इस तरीके से बेसिकली यहां पर हम लोगों ने सेन डायनेस्टी के बारे में बात किया। लास्टली जो लक्ष्मण सेन रहते हैं ये जो गढ़वाल है, गढ़वाल ऑब्वियसली ये कब, चंदेल से जस्ट पहले गढ़वालीज है, गढ़वालीज को इन्होंने हराया था, किसने, सेन डायनेस्टी के लक्ष्मण सेन ने। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग डिस्कशन, अब अगला हमारा गढ़वालीज के बारे में ही, और देखेंगे गढ़वालीज ने क्या कुछ किया और किस तरीके से चंदेल के हाथ में फिर अल्टीमेटली एम्पायर चला गया। तो फटाफट देखते हैं, सबसे पहले गढ़वाल के बारे में देखा जाए, जो गढ़वाल ऑलरेडी आप लोग समझ गए हैं कि रीजन कौन सा होगा, दिस विल बी द गढ़वालीज रीजन, और यहीं पर जो है वो कन्नौज का एरिया होता है और ये बेसिकली कन्नौज के एरिया को ही कैप्चर किए रहते हैं। अगर बात किया जाए गढ़वाल के बारे में तो ये बेसिकली फ्यूड्स थे किसके, गुर्जर प्रतिहार के, और मैंने ऑलरेडी शुरू में ही बोला इस जितनी भी डायनेस्टी है वो सब गुर्जर प्रतिहार से ही निकल के आई है। यहीं से जब गुर्जर प्रतिहार वीक हुए थे तो ये लोग धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते गए थे। तो ये जो है बेसिकली गढ़वालीज जो है वो
फ्यूट्स थे, सामंत थे गुर्जर प्रतिहार के। इसमें पहले देख लीजिए यहां पर रूल किसका है, तो दे रूल्ड साउथ राजस्थान विद द कैपिटल सिटी एट नगाड़ा। जयचंद जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट और ग्रेट रूलर रहता है। इन 193 एडी गोरी किल्ड जयचंद इन द बैटल ऑफ छांदवा। तो अभी बात करते हैं क्या चीज हुई। तो यहां पर ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया कि मोहम्मद गोरी जो है वो आने वाला है, मोहम्मद गोरी आएगा। मोहम्मद गोरी से पहले कौन आया था, महमूद गजनवी आया था, महमूद गजनवी या गजनी आया हुआ था, ठीक है। उसके पहले तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया ही था कि बाकी शकाज एंड कुशन एंड ऑल दैट बहुत सारे लोग आए थे। एंड अल्टीमेटली आफ्टर द राइज ऑफ इस्लाम यहां पर गोरी गजनवी एंड ऑल दैट ये जितने भी इस्लामिक इन्वेडर्स हैं वो आना शुरू हो गए थे। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन हालांकि डिटेल्ड में हम लोग अपने मेडिवल हिस्ट्री में करेंगे, लेकिन अगेन मेडिवल हिस्ट्री कहीं ना कहीं इसी समय से ही अपनी एक शुरुआत, अपनी एक पहचान बतानी शुरू कर देती है। तो यही चीज यहां पर अगर बात किया जाए थोड़े और डिटेल में देखा जाए, तो यहां पर जो एस्टैब्लिशर या कह लीजिए जो फाउंडर है उनका नाम है चंद्रदेव। तो चंद्रदेव इस गढ़वाल रीजन के संस्थापक रहते हैं, फाउंडर रहते हैं। इन्होंने तोमरों को भी हराया था। अब ये तोमर कौन थे, तोमर जो है एक तरीके से इनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ये दिल्ली के इलाके में ये रूल कर रहे थे। इनफैक्ट दिल्ली सिटी को डेवलप ही तोमर ने किया है, ठीक है। चंद्रदेव के बाद फिर अगले जो रूलर आते हैं उनका नाम रहता है मदन पाल। मदन पाल के टाइम पर एक्चुअली जो तुर्क है, तुर्क का अटैक हुआ था। तो जो तुर्क है इनका अटैक हुआ था, जिसके कारण से इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो कन्नौज से ट्रांसफर कर दी थी वाराणसी। और इसी कारण से इनफैक्ट इन राजाओं को, इन जितने भी रूलर्स आ रहे हैं इनको काशी नरेश, काशी किंग्स भी बोला जाता है। तो ये मदन पाल के बारे में जान लीजिए। हालांकि ये भी स्ट्रांग था, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके टाइम पर तुर्क का अटैक हो गया था और अटैक के बाद इसने हार गया था। ये मदन जो मदन पाल है ये हार गया था और इसलिए अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल कन्नौज से इसने बनारस में ट्रांसफर कर दी। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम रहता है गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र, अब देखिए जो यहां पर सेन है इन्होंने हराया हुआ था गढ़वालियों को, तो ये फिर से वापस से बदला लेने के लिए गढ़वाली वापस से सेन पर अटैक करते हैं। और यहां से बेसिकली जो रीजियन है, मालवा का रीजियन और मगध का रीजियन, वो कैप्चर कर लेते हैं। तो यहां पर बेसिकली मगध और मालवा इन दोनों को ये कैप्चर कर लेता है गोविंद चंद्र। तो काफी इंपॉर्टेंट है गोविंद चंद्र, और अपनी टेरिटरी का वापस से जो फेम था उसे रीगेन कर लिया। अपनी जो भी कह लीजिए कि प्रसिद्धि थी वो बेसिकली वापस इसने रीगेन करने की पूरी कोशिश की थी। इसके टाइम पर इसके जो मंत्री थे उनका नाम था लक्ष्मीधर। दिस इज लक्ष्मीधर। और इन्होंने एक राइटिंग किया था, एक लिटरेचर लिखा हुआ था जिसका नाम था कृत्य कल्प तरु। दिस इज कृत्य कल्प तरु, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इन्हें गोविंद चंद्र को एक टाइटल दिया गया था जिसका नाम था विद्या विचार वाचस्पति। तो अगेन टाइटल भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। दिस इज विद्या विचार वाचस्पति, वाचस्पति, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गोविंद चंद्र के बाद फिर जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम रहता है विजय चंद्र। विजय चंद्र जो है वो चौहान से हार जाते हैं। और इस समय तक यहां पर देखिए दिल्ली में तोमर के बाद से चौहान आ चुके हैं, और चौहान के टाइम पर पृथ्वीराज चौहान जो है, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान, इसको पूरा नाम है पृथ्वीराज चौहान थ्री, इसने अटैक कर दिया था गढ़वालियों पे। और इन गढ़वालियों पे अटैक करने के बाद अल्टीमेटली जो दिल्ली है वो चौहान अपने कब्जे में ले लिए थे। विजय चंद्र के बाद अल्टीमेटली लास्ट रूलर बनते हैं जयचंद। अगेन जयचंद जो है काफी इंपॉर्टेंट रूलर है, देख सकते हैं यहां पर ग्रेट रूलर है इस टाइम पीरियड का। इसने गुजरात के जो चालुक्याज है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे चालुक्यों के बारे में, तो गुजरात के जो चालुक्य हैं या इसी को सोलंकीज बोला जाता है, और जो देवगिरी के यादव हैं, दिस इज देवगिरी के जो यादवाज हैं, इन दोनों को हराया था। लेकिन चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान से ये हार भी गया था, कौन, जयचंद। तो इस तरीके से इन्होंने आसपास के इलाके को तो बेसिकली जो है वो हराया था, लेकिन फिर उसके बाद से चौहान से ये हार गए थे। अब हार जाएंगे तो सीधी सी बात है चौहान के लिए ऑब्वियसली ये एनिमी बन चुका है।
तो ये क्या करता है जयचंद, ये मोहम्मद गोरी को बोलता है कि भाई तुम आओ और पृथ्वीराज चौहान से वॉर करो, लड़ाई करो और पृथ्वीराज चौहान को हराओ। तो मोहम्मद गोरी पहले आता है 1191 में तराइन में, तराइन में फिर बेसिकली दोनों के बीच में युद्ध होता है, दोनों के बीच में वॉर होती है। पृथ्वीराज चौहान जो है वो फिर जीत जाता है इसमें, लेकिन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मारता नहीं है, बस भगा देता है। वापस फिर गोरी तैयारी के साथ आता है, फिर से तराइन का युद्ध होता है, तराइन वॉर होती है और इस समय पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं और इस तरीके से मोहम्मद गोरी जो है वो नॉर्थ इंडिया पर पूरा कब्जा कर लेता है। अब सीधी सी बात है, बुलाया किसने था? जयचंद ने बुलाया था। जयचंद ऑब्वियसली थोड़ा सा कह लीजिए विभीषणपना किया जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि ये जो गोरी रहता है वो वापस जयचंद्र से भी लड़ जाता है 1194 में चंदावर का वॉर। दिस इज चंदावर, यहां पर देखिए बैटल ऑफ छांदवा भी बोलते हैं इसको या चंदावर भी वॉर बोल देते हैं। तो यहां पर बेसिकली इनका अटैक हुआ और इस तरीके से जयचंद्र की भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और अल्टीमेटली इस पूरे इलाके पर जो गोरी है उनका अटैक हो जाता है, गोरी का कब्जा हो जाता है और इस तरीके से यहां पर इंडिया में दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से यहां पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आपको समझ में आ गई किस तरीके से हुई है। आगे अगर बात किया जाए नेक्स्ट रूलर्स के बारे में, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा वन सेकेंड। यस, तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं चंदेल्स के बारे में, तो फटाफट देख लेते हैं चंदेल के बारे में। चंदेल का जो रीजियन है दिस इज द बुंदेलखंड रीजियन और यहीं पर जो है वो चंदेल्स आते हैं। चंदेल से जस्ट पहले गढ़वालीज हैं, ये आपको पता ही चल गया है। तो गढ़वालीज से इन्होंने बेसिकली, जब गढ़वाली हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से, तो अल्टीमेटली बुंदेलखंड में चंदेल्स जो है वो फिर उभर करके सामने आते हैं। ये जो चंदेल्स हैं अगेन ये भी गुर्जर प्रतिहार के ही सामंत रहते हैं, गुर्जर प्रतिहार के ही ये भी फ्यूड्स रहते हैं। तो ये भी इसके इंडिपेंडेंट एरिया में मतलब गुर्जर प्रतिहार के वीक होने के बाद से ये भी इंडिपेंडेंट अपनी घोषित कर देते हैं। इनके बारे में अगर देखा जाए तो दे रूल्ड बुंदेलखंड विद द कैपिटल खजुराहो। द डायनेस्टी वॉज ऑल्सो कॉल्ड जेजाक भुक्ति डायनेस्टी, जेजाक भुक्ति डायनेस्टी भी इसमें कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे दो रीजन है, एक तो फॉरेस्ट की ट्राइब विद देयर फैमिली सिटी एज जेजाक इसलिए बोला जाता है, दूसरा इसलिए कहा जाता है, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहां का जो एक फेमस रूलर था उसका नाम था नुन्नुक, दिस इज नुन्नुक, और नुन्नुक के ही टाइम पर एक और इंपॉर्टेंट रूलर होता था जयचंद, और उस जयचंद को जेजाक नाम से भी लोग बुलाते थे और इसी से इसका नाम जेजाक भुक्ति डायनेस्टी बेसिकली पड़ गया। तो बेसिकली ये केवल और केवल स्टोरी है, सच कभी इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, केवल आप ध्यान में रखिएगा, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज के लिए है कि आप जानते रहिए इसमें क्या चीज है। इनके बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए हर्ष जो है इसके एस्टैब्लिशर है, इनके फाउंडर है। हर्ष को परम भट्टारक के नाम से भी जाना जाता है, इनका ये टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम रहता है यशो वर्मन, या इसी को लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि जो मालवा का एरिया है इस पर अटैक करके इस पूरे मालवा के एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। अब देखिए महाजनपद के टाइम पे चले आइए और देखते जाइएगा, छेदीस कब्जे में ले लिया गया। देखिए यहीं पर तो छेदी हुआ करती थी, तो छेदीस को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, मध्य को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, अगेन मध्य जो है वो यहीं यूपी में हुआ करती थी, फिर उसके बाद से कौशल पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो ये बेसिकली महाजनपदास के टाइम से भी अगर बात किया जाए तो इस पूरे इलाके में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, अपने टेरिटरी के अंदर में अपना एम्पायर बना लिया था। एक इंपॉर्टेंट चीज यशोवर्मन ने किया था और वो थी एक खजुराहो में इन्होंने एक विष्णु टेम्पल बनवाया हुआ था। तो विष्णु टेम्पल इन्होंने बनवाया हुआ था खजुराहो में, और खजुराहो आपको पता ही है इनकी कैपिटल है, तो सीधी सी बात है इसमें कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट रूलर आते हैं जिनका नाम रहता है धंग, DHANG धंग। ये जो है इनको बोला जाता है कि ये रियल एस्टैब्लिशर है, रियल फाउंडर है, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से अपनी डायनेस्टी को इंडिपेंडेंट कर दिया था। इन्होंने कन्नौज और ग्वालियर इन दोनों एरिया को जीत करके अपने टेरिटरी में मिला लिया। कौन कौन सी? दिस इज कन्नौज जो कि बेसिकली सेन डायनेस्टी के अंतर्गत थी और इसको अपने कब्जे में ले लिया, और साथ ही साथ इन्होंने ग्वालियर को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का नदन पार्ट है वो पूरा का पूरा इन धंग ने अपने कब्जे में ले लिया था। अच्छा, इसी टाइम पर क्या हुआ था कि
इस्लामिक इन्वेडर्स का अटैक होना शुरू हो गया था. तो इस्लामिक इन्वेडर को रोकने वाली जो सबसे पहली डायनेस्टी है दैट इज द शाही डायनेस्टी. तो ये जो शाही डायनेस्टी है ये बेसिकली पंजाब के भटिंडा एरिया में जो है वो रूल कर रहे थे. इसमें दो इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, एक का नाम रहता है जयपाल और दूसरे का नाम रहता है आनंदपाल. दिस इज जयपाल एंड आनंदपाल. इनके बारे में अभी स्टोरी इनफैक्ट सुन ही लीजिए क्या करना है. यहां पर इरेज करके मैं फिर से स्टोरी पूरी सुना देता हूं. तो यहां पर बेसिकली है भटिंडा का इलाका और यहां पर इस्लामिक इन्वेडर्स आ जाते हैं. जब इस्लामिक इन्वेडर आते हैं तो सबसे पहला जो इस्लामिक इन्वेडर आता है उसका नाम रहता है सुबुक्त गीन. केवल नाम अभी सुन लीजिए क्या है, क्योंकि हम लोग मेडिवल इंडिया में इसके बारे में बात करेंगे. सुबुक्त गीन आता है. सुबुक्त गीन जब आता है तो बेसिकली जो यहां पर उस समय के शाही डायनेस्टी के जो रूलर रहते हैं उनका नाम रहता है जयपाल. जयपाल क्या करते हैं कि इसी ढंग से मिलिट्री हेल्प मांगते हैं. तो इन्होंने मिलिट्री हेल्प मांगा और मिलिट्री हेल्प इन्होंने दिया भी और अल्टीमेटली ये दोनों मिलकर के जयपाल और धंग मिलकर के सुबुक्तगीन को हरा देते हैं और सुबुक्तगीन को फोर्स करते हैं बाहर वापस चले जाने को. सुबुक्तगीन यहां पर प्रॉमिस करता है कि हाँ ठीक है, हम कभी भी अब वापस नहीं आएंगे. और इस तरीके से यहां पर जो कह लीजिए कि इंडिया है वो इस्लामिक इन्वेडर को रोक देता है. लेकिन फिर महमूद गजनवी आता है. तो दिस आफ्टर दिस सुबुक्तगीन फिर महमूद गजनवी आता है. दिस इज गजनवी, ठीक है. तो इस समय क्या होता है, ऑब्वियसली जयपाल फिर से है तो जयपाल पर अटैक करता है और जयपाल को हरा देता है. जयपाल हारने के बाद अपना जो एम्पायर है वो अपने लड़के आनंदपाल को दे देते हैं और खुद जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं. अब आनंदपाल क्या करता है, ऑब्वियसली हार चुका है तो हारने के बाद ये फाइव स्टेट्स का मतलब चंदेल से, फिर जो आसपास की जितनी भी डायनेस्टीज है सबसे मिलिट्री हेल्प मांगता है. सब लोग इसको मिलिट्री हेल्प देते हैं लेकिन फिर भी महमूद गजनवी की कोई रोक नहीं पाता और अल्टीमेटली ये सारे लोग फेल हो जाते हैं और अल्टीमेटली महमूद गजनवी का इंडिया में इंटर हो जाता है. अल्टीमेटली फिर ये घूम फिर करके चला जाता है. अच्छा, इस शाही डायनेस्टी के बाद अंदर गुर्जर प्रतिहार आएंगे जहां पर उस समय का जो राजा है उसका नाम है राज्यपाल क्या करता है, छोड़ करके भाग जाता है डर के. और इस तरीके से गजनवी जो है वो अंदर आ जाता है. गुर्जर प्रतिहार के बाद फिर यहां पर है चंदेल रूलर और उस समय जो चंदेल रूलर होते हैं उनका नाम रहता है विद्याधर. इनफैक्ट धंग के बाद में नेक्स्ट जो आते हैं विद्याधर ही आते हैं. और ये विद्याधर बेसिकली राज्यपाल जो भागा रहता है पहले इसको खोज के पहले इसको मरवाते हैं कि भाई तुम डर के भागे क्यों, हमारे इंडिया की तुमने बेइज्जती कर दी है, यहां पर तुम भागे क्यों. तो अल्टीमेटली राज्यपाल को मरवा देते हैं और जो ये विद्याधर है फिर कमांड संभालते हैं गजनवी के लिए. गजनवी के साथ इनका वॉर होता है और वॉर एक बार नहीं बल्कि दो बार होता है. एक बार होता है 1019 से 1020 के बीच में और एक बार होता है 1022 के बीच में 1022 में. दोनों ही बार में कोई भी निर्णय नहीं निकलता, कोई डिसीजन नहीं निकलता है और गजनवी पूरी तरीके से हार मान लेता है. हार मानने के बाद दोनों के बीच में ट्रीटी हो जाती है और गजनवी बोलता है कि भाई तुम अपने रास्ते रहो, हम अपने रास्ते रहेंगे, तुम अपने राज्य को अपने अपने जो एम्पायर है उसको अपने पास रखो, हम तुम्हारे एम्पायर पे आएंगे भी नहीं बल्कि हम 15 और ई स्टेट तुमको दे देते हैं. जो भी हम लोगों ने जो भी किले मैंने जीते हैं, जो भी स्टेट्स मैंने जीते हैं, मैं आपको दे दे रहा हूं, बस बोलिएगा कुछ नहीं. मैं जा रहा हूं गुजरात और यहां पर सोमनाथ के टेम्पल को मैं लूटूंगा, आप कुछ बोलिएगा नहीं. तो इस तरीके से विद्याधर जो है बेसिकली वो इस जो महमूद गजनवी आता है इसको हरा देते हैं और अल्टीमेटली इस तरीके से इंडिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन गजनवी फिर लालच दे देता है. खैर, इसके बाद से जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम रहता है परमर्ति देव. परमर्ति देव के टाइम पर चौहान डायनेस्टी, वन सेकंड इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, तो यहां पर आ चुके हैं अब परमर्ति देव को जो चौहान डायनेस्टी इस समय तक काफी स्ट्रांग हो चुकी रहती है और ये अटैक कर देती है. अब देखिए अटैक किस किस तरीके से हुआ है. गजनवी जा चुका है, आया लूट करके चला गया है, अब आएगा मोहम्मद गोरी आएगा, वो भी किसके कहने पर, जयचंद्र के कहने पर, जो कि बेसिकली यहां पर साउथ में मालवा के एरिया में राज कर रहा है. तो ये बेसिकली जयचंद्र है जो अटैक मतलब कि यहां पर जो है बोलेगा इसको.
अब जो ये चौहान है, ये पृथ्वीराज चौहान जो है इस मालवा को पहले हराए रहते हैं, हराने के बाद इनको भी हराया रहता है, कौन, परमर्ती देव को। परमर्ती देव के टाइम पर जो यहां पर कमांडर रहते हैं उनका नाम रहता है आल्हा उदल, आल्हा उदल। इनफैक्ट आप लोगों ने इसकी स्टोरीज भी सुनी होंगी, कुछ सॉन्ग्स वगैरह जो मध्य प्रदेश में लोकल फोक सॉन्ग्स होते हैं वहां पर आल्हा उदल के कहानियां बताई जाती हैं किस तरीके से क्या हुआ था। तो अल्टीमेटली जब पृथ्वीराज चौहान अटैक करता है तो आल्हा उदल और सारे लोग जो है वो हार जाते हैं। तो इस तरीके से जो चौहान है, जो पृथ्वीराज चौहान है, वो पहले मालवा को जीता रहता है, फिर उसके बाद से ये जो बुंदेलखंड का एरिया है इसको भी जीत लेता है, फिर उसके बाद से मोहम्मद गोरी आता है तो इसको भी भगा देता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली जब गोरी दूसरी बार प्रिपरेशन के साथ आता है तो ये चौहान साहब हार जाते हैं और इस तरीके से इंडिया पर रूल हो जाता है। क्लियर हो गया बेसिकली क्या चीज है, पूरा समझ में आ गया क्या चीज है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने देखा। इसके बाद अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट, यहां पर विद्याधर जो है, विद्याधर ऑब्वियसली आपस में भी तो ये लोग मालवा और बुंदेलखंड ये भी तो आपस में कंपटीशन होगा, तो यहां पर एक राजा रहते हैं जिनका नाम रहता है राजा भोज। राजा भोज को भी बेसिकली ये जो विद्याधर है ये हराए रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज है जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, दिस इज जस्ट अ स्मॉल फैक्ट। हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको कंप्लीट पढ़ा जाए तो ज्यादा सही रहता है। आगे अगर पढ़ा जाए तो नेक्स्ट जो हमारे डायनेस्टी आती है, अच्छा नेक्स्ट डायनेस्टी पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है, जो कालिंजर फोर्ट है, कालिंजर फोर्ट बेसिकली इंडिपेंडेंट फोर्ट हुआ करता था जहां पर अपने इसके खुद के राजा हुआ करते थे। तो कालिंजर फोर्ट इन 1018 AD द टेंपल्स एट खजुराहो वर कंस्ट्रक्टेड बाई चंदेल एंड महोत्सव नगर। अब जरा इसके बारे में भी, महोत्सव नगर की कहानी आई है तो इसके बारे में भी जरा सुन लीजिए। होता क्या है, महोत्सव नगर को बेसिकली महोबा के नाम से जाना जाता था। ये जो महोबा था बेसिकली वो चंदेल टाइम पर चंदेल की ही टेरिटरी में था, जिसको कि पृथ्वीराज चौहान ने अटैक करके जीत लिया था। जीतने के बाद अल्टीमेटली ये महोबा फिर पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोरी के बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद इस महोबा का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक नाम बदल करके इसका रख देता है महोत्सव नगर। तो इस तरीके से महोबा का ही नाम है महोत्सव नगर, जिसे दिल्ली सल्तनत के अंदर में रीनेम्ड किया गया था महोत्सव नगर के रूप में। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी नेक्स्ट डायनेस्टी, दैट इज द परमार डायनेस्टी। अब ये जो परमार डायनेस्टी है ये बेसिकली इस मालवा के रीजन में थी। मालवा के रीजन में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी उनके बारे में वन बाय वन करके फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं इनका एक शॉर्ट समरी। तो दे रूल्ड सदर्न मालवा विद द कैपिटल सिटी एट धार। हालांकि धार से पहले जस्ट इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी उज्जैन, तो उज्जैन, उज्जैन के बाद फिर अल्टीमेटली धार कैपिटल बनती है। इनफैक्ट धार के बारे में आप लोग जान लीजिए कि इसे यहां पर एक रहते हैं राजा भोज, उन्होंने डेवलप किया था और उन्होंने इसकी राजधानी, मतलब अपनी राजधानी भोज बनाई थी। उससे पहले उज्जैन राजधानी हुआ करती थी जिसे उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। उपेंद्र वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी भोजराज या राजा भोज वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द परमार्स हु ऑल्सो रोड द फेमस सम्रांग सूत्राधार। तो सम्रांग सूत्राधार बेसिकली आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा इन्होंने एक और आयुर्वेद के एरिया में लिखा था, दैट इज द आयुर्वेद सर्वस्व। तो आयुर्वेद सर्वस्व जो है इन्होंने कह लीजिए कि आयुर्वेद के एरिया में लिखा हुआ था। इनके बारे में वन बाय वन करके जरा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो उपेंद्र इनके जो है वो फाउंडर है, इनके बाद जो है वो वाकपति मुंज बनते हैं। वाकपति मुंज एक्चुअल में हर्ष के लड़के रहते हैं। हर्ष जो है इनमें एक छोटा सा रूलर होता है। हर्ष के दो लड़के रहते हैं, एक का नाम रहता है वाकपति मुंज, दूसरे का नाम रहता है सिंधुराज। ठीक है, तो वाकपति मुंज जो है बेसिकली, अब देखिएगा जरा यहां पर, यहां पर कौन सी डायनेस्टी है, दैट इज द चालुक्य डायनेस्टी। बात किया था हम लोगों ने चालुक्य, और ये बेसिकली कल्याणी के चालुक्य थे। और इसमें कैप्चर किसने किया था, तैलप टू राष्ट्रकूट के लास्ट रूलर को इसी ने हराया था और अल्टीमेटली चालुक्य डायनेस्टी बनाई थी। तो अब सीधी सी बात है, मालवा के साथ इनका वॉर होना ही होना है। क्यों, टेरिटरी, क्योंकि ये पॉलिटिकल नेबरहुड में है। तो तैलप टू को बेसिकली ये 6 बार हराए रहते हैं, कौन, वाकपति मुंज, लेकिन फिर 7वीं बार तैलप टू आता है और इनको हराता भी और साथ ही साथ इनका स्वर्गवास भी करा देता है। तो इस तरीके से सिंधुराज फिर राजा बनते हैं।
सिंधुजाज जो रहते हैं ये बेसिकली इनका जो टाइटल है या कह लीजिए दूसरा नाम साहसांग के नाम से इन्हें जाना जाता है. दिस इज साहसांग. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्हीं के नाम पर एक कह लीजिए राइटिंग भी लिखी गई है जिसका नाम है नव साहसांग. नव साहसांग इनके कह लीजिए कि एक जो है राइटिंग लिखी गई थी. इसमें जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है वो है राजा भोज. राजा भोज के बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो ये काफी ज्यादा फेमस रूलर भी हैं, साथ ही साथ में ये काफी इंटेलेक्ट भी थे, मतलब काफी विद्वान थे ये. इन्होंने आसपास की जो टेरिटरी है जैसे आपकी फिर से कल्याणी के जो चालुक्य हैं, क्योंकि भाई इनके पिताजी को मारा गया था तो कल्याणी के चालुक्य और गुजरात के जो चालुक्य इन दोनों को बेसिकली इन्होंने हराया था और इस तरीके से आसपास के एरिया में इन्होंने अपना कह लीजिए कि जो फेम है वो बढ़ा लिया था. लेकिन लेकिन गजनवी के टाइम पर जब आते हैं तो अल्टीमेटली जो होती है इन्होंने भी अपनी जब गजनवी आता है तो उस समय इन्होंने भी अपनी जो है सेना अपनी जो आर्मी है वो भेजी रहती है किसको, आनंदपाल को. आनंदपाल कौन है ये? ये वही शाही डायनेस्टी का है जो भटिंडा में लोग रूल कर रहे थे, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था. इन्होंने भेजा था लेकिन फिर ऑब्वियसली ये हार जाते हैं और ये जो गजनवी है पूरा इंडिया में एंटर कर जाता है. अब सीधी सी बात है चालुक्य के साथ इनकी जो इक्वेशंस है वो अच्छी नहीं चल रही है तो चालुक्य रूलर भीम, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, चालुक्य रूलर भीम और कलचुरी का जो राजा रहता है ये दोनों मिल करके आते हैं और राजा भोज को मार देते हैं और इस तरीके से मालवा को कैप्चर कर लेते हैं. तो इस तरीके से जो डायनेस्टी परमार डायनेस्टी है वो भी थोड़े समय के बाद खत्म हो जाती है. इसमें तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट रूलर हैं. अगेन मैं कहूंगा कि देखिए काफी बहुत इंपॉर्टेंट तो ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आपसे ना तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने वाला है ना तो मेंस में क्वेश्चन बनने वाला है, लेकिन अगेन दिस इज जस्ट फॉर योर कंटिन्यूटी कि इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट्स पॉलिटिकल चेंजेस चल रही हैं, केवल इसी के लिए. और इसीलिए मैं केवल और केवल सर्फिशियल आप लोगों को बता भी रहा हूं, इससे ज्यादा इनफैक्ट आपको जानने की जरूरत भी नहीं है और बस आपको समझ में आ जा रही है चीजें, दैट इज मोर देन एनफ कि किस तरीके से डेवलपमेंट जो हो रही है. तो यहां पर मालवा जो है बेसिकली वो सदर्न इंडिया के कैप्चर में आ गया है लेकिन इसके जस्ट ऊपर की जो टेरिटरीज है वो इस्लामिक इन्वेडर्स कैप्चर करते जा रहे हैं. समझ में आ गया परमार डायनेस्टी के बारे में चीजें क्लियर हो गई हैं. अच्छा राजा भोज के लिए एक और छोटी सी चीज देख लीजिए, इन्होंने एक नया सिटी बनाया था जिसका नाम था भोजनगर. दिस इज भोजनगर और इन्होंने यहीं पर एक छोटा सा पॉन्ड भी बनवाया था जिसको इन्होंने नाम रखा हुआ था भोज पॉन्ड, भोज तालाब या भोज पॉन्ड. क्लियर हो गया. और यही भोजनगर में इन्होंने एक संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई थी. दिस इज इंपॉर्टेंट, संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई थी और ये संस्कृत यूनिवर्सिटी इनफैक्ट अगर आज भी अगर आप जाएंगे भोजनगर में तो यहां पर आपको संस्कृत के श्लोक यहां पर जो दीवार है उस पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कौन से पॉइंट बनवाया था, कौन सा सिटी बनवाया और संस्कृत कॉलेज जो है वो किसने खोला था या किसने डेवलप किया. तो ये किया गया था राजा भोज के द्वारा. क्लियर हो गया. आगे अगर देखा जाए तो परमार डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट आती है तोमर डायनेस्टी. तोमर डायनेस्टी केवल और केवल हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें चौहान डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है और चौहान डायनेस्टी कहां पर डेवलप हुई थी. चौहान डायनेस्टी डेवलप हुई थी दिल्ली और अजमेर के पास में. दिल्ली और अजमेर, अजमेर आज की डेट में राजस्थान के टेरिटरी के अंतर्गत आता है और दिल्ली तो आपको पता ही है यूटी है. एक्चुअल में दिल्ली को डेवलप करने वाले जो लोग थे उन्हीं का नाम है तोमर डायनेस्टी. फटाफट देख लेते हैं इनके बारे में सिंगल लाइन. दे रूल्ड हरियाणा एंड दिल्ली एंड फाउंडेड द सिटी दिल्ली व्हिच वाज देन कॉल्ड दलिका, दलिका के नाम से जानी जाती थी और बाद में इसका नाम फिर दिल्ली पड़ गया था. तो तोमर के बारे में बस इतना ही आप जानिए कि कहां पर है बेसिकली. दिस इज जस्ट कि अगर मान लीजिए इन केस मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आप लिखने लायक रहे. आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं. तो ये महिपाल तोमर जो है इसका इंपॉर्टेंट रूलर था, नॉट इंपॉर्टेंट छोड़ दीजिएगा आप लोग इसको. लास्टली हम लोग देख लेते हैं जरा चौहान डायनेस्टी के बारे में और चौहान के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है बेसिकली दिल्ली और अजमेर के एरिया में फैले हुए थे. एक्चुअल में क्या है कि जो चौहान है वो बहुत तरीके बहुत एरिया में फैले हुए थे लेकिन इन चौहान में शाकंभरी के आसपास के जो चौहान थे, शाकंभरी अजमेर के पास में एक इलाका पड़ता है जैसे शाकंभरी, शाकंभरी के जो चौहान है वो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में
और इस वजह से हम लोग इनके बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं. दे रूल्ड नॉर्थ राजस्थान एंड हरियाणा. दे बिलोंग टू शाकंभरी कल्ट और यही वो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं. द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई सिंहराज. तो ये सिंहराज थे जिन्होंने इस डायनेस्टी को बेसिकली फाउंड किया था. इसके इंपॉर्टेंट जो एक रूलर है उनका नाम रहता है वासुदेव. तो वासुदेव काफी इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं. इसके अलावा यहां पर कुछ और भी रूलर हैं जैसे अजय राज चौहान हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं. जो पृथ्वीराज चौहान है इनको राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता है. तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है. ही मैरिड संयुक्त डॉटर ऑफ जयचंद अगेंस्ट द विशेस ऑफ जयचंद. तो ये खैर शादी ब्याह जो चल रही है वो सब इंपॉर्टेंट है, सच नहीं है, इतना हमारे लिए जरूरत नहीं होती है. 1191 में पृथ्वीराज जो है वो मोहम्मद गोरी को हरा देता है इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. लेकिन बाद में सेकेंड बैटल में जो है इसको हरा दिया जाता है. और अल्टीमेटली पृथ्वीराज चौहान जब मर जाता है, हार जाता है, तो उसके बाद से दूसरी मतलब कि पृथ्वीराज चौहान के बाद जो नेक्स्ट रूलर है दैट इज द गोविंद, उनको राजा बना दिया जाता है. तो इस तरीके से चौहान डायनेस्टी भी, हालांकि बाद में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है, लेकिन जब तक नहीं मिलाता है तब तक गोविंद नाम के एक रूलर रहते हैं जो मोहम्मद गोरी के अंडर में रह करके रूल कर रहे होते हैं. इनके बारे में थोड़ी सी और चीजें देख लीजिए. उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे चंद्र बरदाई के बारे में है. चंद्र बरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज चरित्र रचनाएं लिखी हुई हैं. इन्होंने ये जो है वो राइटिंग्स लिखी हुई हैं. थोड़ा सा अगर और इनके डिटेल में देख लिया जाए तो सबसे पहले वाक् पृथ्वीराज ये बनते हैं राजा. जो ये वाक् पृथ्वीराज हैं ये प्रतिहार के टाइम पर, मतलब गुर्जर प्रतिहार जब हुआ करते थे उस टाइम पर ये फ्यूड्स हुआ करते थे. तो फ्यूड्स या फ्यूडेटरीज भी इनको बोला जाता है, फ्यूड्स रहा थे. दूसरे जो राजा बनते हैं उनका नाम रहता है विग्रहराज टू. और विग्रहराज जो है ये बेसिकली चालुक्यास को हराए थे. दिस वॉज द चालुक्या. और चालुक्य के टाइम पे जो रूलर थे उनका नाम था मूलराज वन. बात करेंगे हम लोग जब चालुक्य के बारे में बात करेंगे. अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. केवल हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही जो पढ़ाई करनी है वो इंपॉर्टेंट है. बाकी सब तो ऐसे ही केवल नाम देख लीजिए. नेक्स्ट है अजय राज. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसने ही, अब देखिए अजय राज ये बेसिकली अजय राज को हटा दीजिए, यही है बेसिकली अजमेर. मतलब इन्होंने ही अजमेर को डेवलप किया हुआ था. तो याद हो गया अजय राज, अपने आप अजमेर, नाम में ही सब कुछ पड़ा हुआ है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो रूलर बनते हैं उनका नाम रहता है अणोराज जो होता है ये पहले ऐसे व्यक्ति, पहले ऐसे रूलर रहते हैं जो इस्लामिक इन्वेडर्स को रोकते हैं, महमूद गजनवी को रोकते हैं. अगेन नॉट इंपॉर्टेंट एज सच. लास्टली जो होते हैं हमारे राजा बनते हैं विग्रहराज फोर और ये तोमर को हराए रहते हैं. लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान में रखिएगा, इन्होंने अगेन एक संस्कृत ड्रामा लिखा है. दिस इज संस्कृत ड्रामा. एंड व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट इट, कि इस इंपॉर्टेंट क्या है इसमें. इंपॉर्टेंट ये है कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कहां पर है, ऑब्वियसली अजमेर में, किसने बनवाया था, ऐबक ने बनवाया था. तो अढ़ाई दिन के झोपड़े की जो वॉल है उस वॉल पर इस ड्रामा के बारे में लिखा हुआ है. तो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज जो इस्लामिक इन्वेडर्स हैं they have drawn the संस्कृत drama on the walls of अढ़ाई दिन का झोपड़ा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इस्लामिक कह लीजिए इस्लामिक आर्किटेक्चर और उसके ऊपर में संस्कृत लिखा है. दिस इज वेरी अनयूजुअल थिंग. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. फिर उसके बाद बनते हैं पृथ्वीराज चौहान थ्री रूलर, राजा बनते हैं. काफी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया. राय पिथौड़ा के नाम से भी इनको जाना जाता है. इन्होंने सबसे पहले जो है वो चंदेल रूलर को हराया था. चंदेल और चंदेल के उस समय जो रूलर थे उनका नाम क्या था, परमर्ती देव. दिस इज परमर्ती देव, हम लोगों ने देखा भी. इनको हराया और चंदेल का जो एरिया था बुंदेलखंड का एरिया कब्जे में ले लिया. इन्होंने फिर गुजरात के जो चालुक्य थे उसको भी हराया. गुजरात के चालुक्य या फिर सोलंकीज भी इनको बोलते हैं, इनको बेसिकली हराया. हराने के बाद ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब क्या हो रहा था कि इनके अंदर में एटीट्यूड आना शुरू हो गया था. लेकिन फिर भी इसके बाद से मोहम्मद जो है वो गोरी आता है, गोरी को भी हरा देते हैं तराइन के फर्स्ट वॉर में. लेकिन और ये आया क्यों था, जयचंद ने इसको बुलाया हुआ था, जयचंद ने बुलाया था, ध्यान में रखिएगा. फिर तो उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो फिर पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो हार जाते हैं, उनकी कहानी हो जाती है खत्म.
पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी फिर इन्हीं के लड़के गोविंद को एरिया दे देता है, एम्पायर दे देता है और कहता है कि तुम हमारे अंडर में रह करके पूरा जो एम्पायर है उसको कंट्रोल करो। तो इस तरीके से बेसिकली गोविंद कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन मोहम्मद गोरी के साथ में ही कुछ इसके कमांडर्स आए रहते हैं, उसमें से एक रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है अल्टीमेटली बाद में जाकर के दिल्ली सल्तनत जो है वो एस्टैब्लिश करता है और गोविंद को बेसिकली हटा करके अल्टीमेटली ये जो पूरा इलाका है ये अपने अंडर में कर लेता है और अपनी किंगशिप एस्टैब्लिश कर लेता है। तो ये थी बेसिकली पूरी की पूरी डिस्कशन चौहान डायनेस्टी के बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस संगम लिटरेचर, क्योंकि अब तो आपको ऊपर नॉर्दर्न इंडिया में दिख रहा है कि अब मेडिवल एज स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब महमूद गजनवी आ चुका है, मोहम्मद गोरी आ चुका है, सबका अटैक बेसिकली हम लोग देख रहे हैं। तो इन द नेक्स्ट आफ्टर फ्यू क्लासेस वी विल स्टार्ट मेडिवल हिस्ट्री और इस तरीके से हम लोग देखेंगे हमारी जो जितने भी इस्लामिक इन्वेडर्स हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे साउथ इंडिया के पहले संगम लिटरेचर के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे जो साउथ इंडिया के डायनेस्टी जैसे पल्लव डायनेस्टी हो गई, चालुक्य डायनेस्टी हो गई, चोल डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी, पांडव डायनेस्टी, तो इन डायनेस्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नियर अबाउट 3-4 क्लासेस इट विल टेक और उसके बाद से हम लोग फिर मेडिवल हिस्ट्री की ओर चले जाएंगे। मेडिवल हिस्ट्री में इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे और मुगल्स के बारे में बात करेंगे और फिर अल्टीमेटली जो रिलीजियस मूवमेंट्स हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर हमारी ये पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।